नमस्कार, इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत। माझ्यासोबत आहेत अरुणजी पांडे। अन्यायरहित जिंदगी अर्थात अर्ज या गोव्यातील एका स्वयंसेवी संस्थेचे संचालक। गेली 25 वर्ष अरुणजी पांडे हे सेक्स एक्सप्लॉयटेशन आणि एकूणच त्या संबंधी जी मानवी तस्करी चाललेली आहे त्यामध्ये अडकलेल्या हजारो युवतींना बाहेर काढण्याचं आणि त्यांचं योग्यरित्या पुनर्वसन करण्याचं देखील काम ते सातत्याने करीत आहेत। गेल्या 25 वर्षामध्ये त्यांनी 2000 अधिक युवतींना या व्यवसायातून बाहेर काढलेलं आहे आणि 1500 अधिक युवतींना आपल्या पायावर उभं करून या व्यवसायापासून पूर्णपणे दूर नेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। अरुणजी पांडे सर, आपलं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत। थँक्यू व्हेरी मच इन गोवा का कि आपने सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे इशू पे चर्चा रखा है। यूजुअली ये एक बहुत ही नेगलेक्टेड टॉपिक है, लोग इस पे चर्चा नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन गोवा का कि सेक्स ट्रैफिकिंग पे चर्चा रखा और मुझे इनवाइट किया है इस इशू पे चर्चा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि अभी गोवा में एक घटना घटी है कि चंदगढ़ के कुछ युवकों को वहाँ लेके फंसाया गया और उनको मारपीट की गई, उनसे पैसे छीने गए। उसके बाद गोवा में स्पा और जो मसाज पार्लर्स है उन पर रेड पड़ने लगी है और जो भी इलीगल स्पा है, मसाज पार्लर्स है, उनके ऊपर कार्रवाई होने लगी है। तो ये जो घटना है, ये घटना का आप कैसा वर्णन करेंगे, ये क्या हो रहा है इसके बारे में? जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि अर्ज जो संस्था है कि लास्ट अराउंड 25 साल से सेक्स ट्रैफिकिंग इशू पे काम कर रहा है और हमने अपने काम के दौरान ये पाया है कि जो मसाज पार्लर है वो एक सेंटर बन गए है ब्लैकमेलिंग के, एक्सटॉर्शन के और कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के। हम लोग गोवा पुलिस के साथ रेस्क्यू में इन्वॉल्व हैं और हमने बहुत सी लड़की लोगों को इन मसाज पार्लर से रेस्क्यू किया है और उन सबका रेस्क्यू के बाद जब वो अपनी आप बीती सुनाते हैं, जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो बताते हैं किस तरह से उनको ट्रैफिक किया गया है इन मसाज पार्लर्स में और किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरह से उनको फोर्स किया जाता है कि जो क्लाइंट्स आते हैं उनको ब्लैकमेल किया जाए, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जाए और कुछ लोग उनको कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए फोर्स करते हैं। तो जो हमारे गोवा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत की जो इनिशिएटिव लिया है, जो उन्होंने डायरेक्शन दिया है गोवा पुलिस को कि इन जो इलीगल मसाज पार्लर हैं उन पे एक्शन लिया जाए, हम अपनी अर्ज संस्था की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। पर हमें कहीं पे यहीं पे नहीं रुकने का, हमें जरूरी है कि डेफिनेटली जो इलीगल मसाज पार्लर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, पर साथ साथ ये भी नहीं है कि जो लीगल मसाज पार्लर्स हैं वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी नहीं होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सब मसाज पार्लर और स्पा जो गोवा में है वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होता है, पर ये भी हकीकत है कि बहुत से जो लीगल मसाज पार्लर्स हैं वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होती है। कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन क्लाइंट के तरफ से होता है और कहीं पे भी हम पाते हैं कि कंप्लेन नहीं होता है। कई लड़की जो इन मसाज पार्लर्स में काम करती है उन्होंने बताया है कि जब क्लाइंट्स आते हैं वो सेक्सुअल फेवर मांगते हैं, हम मना करते हैं पर एक क्लाइंट का सेक्सुअल फेवर मांगना, सेक्सुअल सर्विस मांगना इटसेल्फ इज अ क्राइम। और मोस्ट ऑफ दिस मसाज पार्लर जो कि लीगल है कहीं पे भी हमने नहीं पाया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी है। तो इसीलिए जरूरी है कहीं पे कि सरकार को जो ये अभी एक्शन ले रही है इसको उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, उन्हें मसाज पार्लर एक सेफ स्पेस बनाना चाहिए, न केवल क्लाइंट के लिए पर ऑल्सो जो लड़की लोग वहाँ पे काम कर रहा है उनके लिए। ये मसाज पार्लर्स में जो लड़कियाँ आती है वो तो काम के लिए यहाँ आती है और आजकल हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ इसमें आने लगी हैं, तो ये क्या कारण है कि यही लड़कियों की मांग है या उनकी ज़रूरत की वजह से वो लड़कियाँ यहाँ आती है? देखिए, कौन लड़कियाँ रहेंगी
ये तो मार्केट डिसाइड करता है, और मार्केट वो डिसाइड करता है वो एक क्लाइंट। ओके, तो ज्यादातर अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो मसाज पार्लर में ज्यादातर जो मंगोलाइट फीचर्स की लड़कियां हैं है ना, उन लोगों को रिक्रूट किया जाता है ना। पहले ये था ट्रेडिशन की थाईलैंड वगैरह से लड़कियां आती थी, अभी भी आती हैं है ना, पर उसको उनको अफोर्ड करना आजकल मुश्किल हो गया है ना, पहले वो थी। उसके बाद ये लोग नेपाल से लड़कियां लाके उनका कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते थे ना। फिर नेपाल से जब जागरूकता हुई और नेपाल की संस्थाओं ने और वहाँ की सरकार ने जब एक्शन लेना शुरू हुआ और वहाँ से लड़की लोगों का आना बंद हुआ, तब यहाँ के मसाज पार्लर लोगों ने नॉर्थ ईस्ट टारगेट किया है। हमने कुछ सालों पहले एक स्टडी की थी और उसमें पाया कि गोवा के बहुत से मसाज पार्लर ओनर वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर है ना वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और वहाँ पे वो कहते हैं कि 25,000 रुपया है ना आपको सैलरी मिलेगी। ये वहाँ पे जाते हैं, लड़की लोगों को रिक्रूट करते हैं और फिर उनको वहाँ से फ्लाई करके है ना यहाँ पे लाते हैं। जब वो इंटरव्यू होता है और जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें वो मसाज के बारे में बातें करते हैं, उसमें वो बात करते हैं ब्यूटी पार्लर का काम के बारे में, और जब यहाँ पे आती हैं ये लड़की लोग है ना, तब उनको बोला जाता है कि आप ये धंधा करो, और जब वो मना करती हैं तब ये फिर बोलते हैं कि नहीं, जो भी हमने खर्चा दिया है आपको फ्लाइट में लाने का, यहाँ पे महीने रखने का, ट्रेनिंग देने का, वो लौटाओ और तभी आप जाओगे। अरे इसका एक मजबूरी का फायदा देने, डेफिनेटली मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो अपने स्टेट से बहुत दूर है और यहाँ पे भी सपोर्ट मिलना मुश्किल है। बहुत से इन लड़की लोगों को भाषा नहीं आती है, ना हिंदी आती है, डेफिनेटली कोंकणी मराठी तो नहीं आती, बहुत लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है। तो सीकिंग हेल्प है ना लोगों से या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं, आज से कुछ साल पहले पुरोरी में एक बहुत ना फेमस ब्यूटी पार्लर मसाज पार्लर था, और वहाँ पे की कुछ लड़की लोग, नॉर्थ ईस्ट लड़की लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और उसमें से दो लड़की लोग वहाँ से भागी, और उन्होंने मिजोरम की थी, और उन्होंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हम लोगों को यहाँ पे कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी करवाया जा रहा है, और हम वहाँ से भाग के आए हैं, और वहाँ पे और भी लड़कियाँ हैं नागालैंड मणिपुर की, तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर हमें जानते थे, और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि हम ये इशू गोवा पुलिस के साथ लें। हमने गोवा पुलिस को रिक्वेस्ट किया और गोवा पुलिस ने रेड किया वहाँ पे, और वहाँ से 15 लड़की लोगों को रेस्क्यू किया गया। ओके, है ना। सो ये एक फेमस मसाज पार्लर पोरोरिंग के हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड था। तो हमारे ये बताने का है कि न केवल यहाँ पे है ना, जैसे आपने बताया कि जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे लड़के लोगों का ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन हुआ है, पर साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि इन कई मसाज पार्लर्स में लड़की लोगों का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक और चीज बताने का, न केवल लड़की जो लोग इंडियन नेशनल हैं, हमने कई केसेस में पाया है कि फॉरेन नेशनल्स भी हैं। कुछ मसाज पार्लर और स्पा वो लोग उनका पासपोर्ट रख लेते हैं और फोर्स करते हैं है ना इन एक्टिविटी में, और न केवल मसाज पार्लर में, पर कई केसेस में ये भी पाया गया है कि वो मसाज पार्लर के बाहर घर पे क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भेजा जाता है। सो ये समझिए कि ना बहुत इलीगैलिटीज हो रहा है। सरकार को जरूरी है ना कि ना जो ये पहला स्टेप लिया है इलीगल मसाज पार्लर पे एक्शन लेने के लिए, इट इज अ वेलकम स्टेप, पर यहीं पे नहीं रुकना चाहिए। जो सबसे बड़ा हम समस्या देखते हैं वो है कि कानूनी प्रावधान नहीं है। इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। माझ्यासोबत आहेत अरुणजी पांडे, अन्यायरहित जिंदगी या स्वयंसेवी संस्थेचे संचालक, आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत गोव्यातील ह्युमन ट्रॅफिकिंग आणि सेक्स ट्रॅफिकिंग या विषयावर। पांडे सर, मुझे बताइए कि गोवा ये आज इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, सेक्स ट्रैफिकिंग होता है, उसका स्वरूप आज क्या है और ये क्यों थम क्यों नहीं रहा है ना। आज अगर हम देखने चाहें कि जिस तरह से गोवा है ना एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है ना, और जो कि अच्छी बात है क्योंकि इस पे बहुत लोगों का रोजगार और लाइफ ना डिपेंडेंट है ना, बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड जो है कि आज गोवा है ना सेक्स ट्रैफिकिंग का भी एक डेस्टिनेशन है ना स्टेट बना है। हमने अभी एक स्टडी की थी ना जिसमें 2014 से लेके 2019 तक हमने स्टडी करने की कोशिश की, जो लड़की लोग आ रहे हैं
है ना, वो किस स्टेट से आ रहे हैं या किस कंट्री से आ रहे हैं। तो हमने पाया कि गोवा में इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री, मतलब हमारे इंडिया से अंदर से लड़कियां, विभिन्न स्टेट्स से और इंडिया के बाहर से भी लड़की लोगों को इन ऑर्गेनाइज्ड वे ट्रैफिक करके गोवा लाया जाता है। कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है। हमने पाया कि गोवा में 24 स्टेट्स ऑफ इंडिया से लड़की लोगों को लाया गया है और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। ये भी दर्शाता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क बना हुआ है, जिससे कि लड़की लोगों को डिफरेंट स्टेट से हम यहाँ पे लाते हैं और उनका कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये एक सीरियस मैटर है और जो पर एक अच्छा वेलकम स्टेप भी है कि ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत जी ने से जब रिसेंटली मैं मिला था तो उन्होंने ये कहा है कि हम इसको सीरियसली लेंगे और हमारा स्टेट ये टॉलरेट नहीं करेगा कि गोवा एक कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का एक सेंटर बने। जो सबसे बड़ी चैलेंज जो गोवा फेस कर रहा है वो ये है कि 97% जो लड़की लोग हैं वो बाहर से आती हैं, है ना हम लोग तो मेनली एक डेस्टिनेशन स्टेट है। तो यहाँ पे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और जो सरकार कर रही है वो ये कर रही है कि लड़की लोगों को रेस्क्यू कर रही है, उनको प्रोटेक्टिव होम में रखती है, टेम्पररी पता लगाती है कौन है, कहाँ से आए हैं, और फिर उनको उनके फैमिली को हैंडओवर करती है, या कुछ केसेस में अगर वो सेफ नहीं है तो उनको ले जाके उनके स्टेट पे छोड़ती है, राज्य में छोड़ती है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे कमी रह जा रही है वो ये है कि जो किंग पिंस हैं, जो गोवा के बाहर बेस्ड हैं, जो वहाँ से लड़की लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। और इस एक्शन के लिए जरूरी है कि जो सोर्स स्टेट है और जो सोर्स कंट्री है उनका कोऑपरेशन मिले। So, हम अपील करते हैं और ये हम बार बार चर्चा भी कर रहे हैं कि जो गोवा सरकार को है और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के उच्च अधिकारी लोग हैं उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, न केवल जो लोग ट्रैफिकर जो दूसरे स्टेट में बैठे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, पर साथ साथ जो लड़कियां जा रही हैं दूसरे स्टेट में वापस भेजी जा रही हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, उनका रिहैबिलिटेशन हो। ओके, तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। जहाँ तक गोवा की सवाल है, बहुत कई एरिया में काम करना जरूरी है, पर ये भी एक अच्छी बात है कि कोविड के समय होने के बावजूद हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रेस्क्यू हुई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि सेंट्रल एजेंसी जो MHA के अंदर आता है, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके अनुसार 2020 जबकि कोविड था तो भी पुलिस ने पर कैपिटा पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा रेस्क्यू गोवा में किए हैं, है ना। सो द क्रेडिट गोज टू द पुलिस, बट अनफॉर्चुनेटली दूसरे साइड आप देखें कि उस दौरान जीरो कन्विक्शन हुआ है, मतलब एक भी ट्रैफिकर को कन्विक्ट नहीं किया गया है। सो अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो वो डेटरेंट नहीं होगा, और हम ये पाते हैं कि जो इसमें जो ट्रैफिकर्स हैं वो हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए हैं, वो आप अरेस्ट करो बेल पे छूटते हैं फिर इसी में लगे रहते हैं। सो देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट कि गोवा सरकार उन लोगों के प्रोसिक्यूशन के बारे में सोचे, और जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा हमें लगता है कि इस प्रॉब्लम का सही तरह से समाधान नहीं हो पाए। गोवा जैसे जो टूरिज्म क्षेत्र है उन सब क्षेत्र की ये परेशानी है कि वहाँ सेक्स टूरिज्म बढ़ता है, सेक्स ट्रैफिकिंग बढ़ता है, तो ये न बढ़े इसके लिए क्या करना चाहिए आपको लगता है? जी देखिए, जरूरी नहीं है कि जो भी प्लेसेस टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है। आप कि आप हिमाचल में चले जाइए, आप सिक्किम में चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, है ना, ये सब भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ना भूटान चले जाइए, ये सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर वहाँ पे कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है। हमें देखना पड़ेगा कि हम गोवा में अब गोवा का पोर्ट्रेयल कैसे करते हैं। ओके, है ना, आज गोवा का पोर्ट्रेयल हो रहा है ना कि ये एक जगह है जहाँ पे गैम्बलिंग है, जहाँ पे डेफिनेटली कैसीनो, जहाँ पे लीकर फ्री मिलता है और जहाँ पे सेक्स मिलता है। ओके, और यही कारण है कि उसी तरह के क्लाइंटल्स यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। देखें तो ज्यादातर सिंगल मैन जो कि डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं। हमारा फियर है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो कहीं पे हम बैंकॉक ना हो जाएं। ओके, और फिर जैसे बैंकॉक में ज्यादातर मेल सिंगल मेल जाते हैं, फैमिलीज नहीं जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि गोवा आगे चल के फैमिली डेस्टिनेशन ना रहे
सिंगल मैन जो कि सेक्स गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग के लिए गोवा है। तो ये जो अभी आप टूरिज्म डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे थे कि कई सारे टूरिज्म डेस्टिनेशन ऐसे कि वहाँ ये समस्या नहीं है और गोवा में उसी दृष्टि से लोग आते हैं, तो ये कम करने के लिए क्या पहल करनी चाहिए? एटलीस्ट दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ, हम टूरिस्ट स्टेट्स हैं और टूरिस्ट स्टेट है तो इस तरह की इलीगल एक्टिविटी होने के चांसेस नॉन टूरिस्ट स्टेट से ज्यादा है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उस तरह के इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनाएं जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाए। अगर आप देखने जाए तो जरूरी है कि स्पेशल यूनिट हो जो कि सेक्स ट्रैफिकिंग पे कंट्रोल करे। हमारे यहाँ है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है पर वो उतना फंक्शनल नहीं है, तो उसको जरूरी है कि हम उसको फंक्शनल बनाएं। जरूरी है कि हम स्पेशल कोर्ट बनाएं जो कि ऑलरेडी आईटी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो कि स्पेशल एक्ट है कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए उसके अंदर प्रावधान है स्पेशल कोर्ट का, वो उसको सेटअप करे। क्योंकि आज क्या हो रहा है, मतलब जो भी गोवा में जो चल रहा है वो अगर उसको अगर स्टॉप करना है तो हमारा कानून सख्त करना जरूरी है, बराबर। हाँ, ही चर्चा आम्ही पुढे नेणारच आहोत। वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24। इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। माझ्यासोबत आहेत अरुणजी पांडे, अन्यायरहित जिंदगी या स्वयंसेवी संस्थेचे संचालक, आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत गोव्यातील ह्युमन ट्रॅफिकिंग या विषयावर। पांडे सर, मुझे बताइए कि अभी अभी कोर्ट का फैसला आया है कि अगर सहमति से सेक्स होता है तो वो क्राइम नहीं, इसका पूरे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हो सकता है? ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आप रिफर कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि उसके बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा। ओके, जो रिपोर्टिंग है वो सही तरह से नहीं हुआ है और थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सवाल पूछा जिससे कि आपके ऑडियंस इसके बारे में उनको जानकारी जागरूकता होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किया जाए। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि लड़की लोगों को आप अरेस्ट मत करो। ओके, क्योंकि वो विक्टिम है, उनको अरेस्ट ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनको प्रोटेक्टिव होम में रख के दो तीन साल के लिए प्रोटेक्टिव होम में ना रखो। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहने का है कि अरे ये लोग विक्टिम है और इनका कहीं पे रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इज दैट डीक्रिमिनलाइज प्रोस्टिट्यूशन, मतलब कि लड़की लोग को पिनलाइज मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहीं पे भी नहीं कहा है कि जो लोग लड़की लोगों को बेच रहा है, जो लोग लड़की लोगों को खरीद रहा है या जो लोग लड़की लोगों के अर्निंग पे सर्वाइव कर रहा है ना, उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने वही रिटरेट किया है, वही दोहराया है जो कि कानून में है। कानून ये कहता है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से धंधा करती है, ओके, और कोई उसको बेच नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा है और या कोई उसका फायदा नहीं उठा रहा है, तो आप उसको तो वो चल वो इस एक्सेप्टेबल। ओके, पर जो है कि कानून के तरफ से कोई उसको खरीद नहीं सकता है, कोई उसको बेच नहीं सकता है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया है कि इंडिया भर में लड़की लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लड़की लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, और जहाँ पे उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, तो उनको प्रोटेक्टिव होम, चाहे वो सरकारी प्रोटेक्टिव होम हो या गैर सरकारी प्रोटेक्टिव होम, वहाँ पे 2 से 3 साल तक रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का है कि जो ऑब्जेक्टिव है जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट का, कि लड़की लोग जो धंधे में है उनको विक्टिम की तरह देखा जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, वो ना होके उसका उल्टा हो रहा है। कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप जो क्लाइंट है, जो ब्रॉथल कीपर है, जो ट्रैफिकर है, उनके खिलाफ एक्शन ना लें। ओके, एंड आई होप ओके कि हमारे यहाँ भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसको समझेंगे, जजमेंट को सही तरह से पढ़ेंगे और साथ ही साथ कहीं पे हमारा जो गोवा में जो एक चल रहा है एक्शन लेना ट्रैफिकर्स के खिलाफ और विक्टिम को प्रोटेक्ट करना, वो कंटिन्यू रहे। ओके, तभी हम गोवा को गोवा में सेक्स ट्रैफिकिंग कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि पुलिस का बढ़ना ये समाज के
सेहत का नज़रिया नहीं होता। कई ऐसे देश है कि वहाँ जो कारागृह है वो कब बंद किए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ है कि पुलिस बढ़ती जा रही है और क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। तो आप इसकी तरफ कैसे देखते हैं कि ये हमारी जो पुरुष प्रधान व्यवस्था है इसके कारण ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो सिलसिला चल रहा है वो उसको कारण है या और भी कुछ कारण है? डेफिनेटली अरे कि मैं क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट से ये क्लियरली है कि अरे कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके पीयर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेबरहुड ओके और कैसी अपब्रिंगिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो सही नहीं है तब डेफिनेटली लोग क्राइम में आएंगे और फिर उसके लिए पुलिस को ब्लेम करना गलत होगा। अगर क्राइम बढ़ेगा तो फिर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस की संख्या बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर पुलिस की संख्या नहीं बढ़ाएंगे आप तो ज़्यादा विक्टिम होंगे। तो अगर हमें क्राइम फ्री सोसाइटी बनानी है तो हमें कहीं पे क्राइम प्रिवेंशन पे काम करना ज़रूरी है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम में कितना हम वैल्यूज पे ध्यान देते हैं, किस तरह का सिस्टम है। अगर आज देखने जाए तो एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा मनी माइंडेड ओके उन स्पेशलाइजेशंस को एनकरेजेस किया जाता है जिससे आप अच्छा पैसा कमा सके, अच्छा इंसान बनाने के लिए, ह्यूमन बिल्डिंग के लिए कुछ भी जगह नहीं है। वेरी ट्रू। सो अगर सर वो नहीं होगा तो क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके और साथ साथ क्राइम तो एक तो उसके कारण है और दूसरा है कि ये जो जो, जो पुअर और रिच का जो डिवाइड बढ़ता जाएगा वो भी उसका कारण होता है। ओके और तीसरा चीज ये है कि अगर लॉ का सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन ना हो, लोगों को फियर नहीं होगा लॉ का इम्प्लीमेंटेशन का, तो वो भी कारण होता है कि लोग क्राइम करते हैं, लॉ को अपने हाथ में लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये हमारे करिकुलम का हिस्सा भी होना चाहिए कि जब तक हम ह्यूमन बिल्डिंग या ह्यूमन जो हमारा फेस होना चाहिए हमारे एजुकेशन का उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए? वेरी ट्रू। अनफॉर्चुनेटली जब बात क्राइम की आती है तो हमें पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के बारे में सोचते हैं, बट एक्चुअली जब अगर क्राइम को रोकने का है तो हमें एजुकेशन, पेरेंट्स, टीचर्स, नेबरहुड, कम्युनिटी इन सब के बारे में सोचना चाहिए। इन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और आप जितना इन्वेस्टमेंट इस पे करोगे उतना ही क्राइम कंट्रोल होगा। अच्छा, तो इसमें रोल आप जैसे एनजीओ का कैसा रहेगा? अब जैसे हमारे जैसे एनजीओज हैं ओके डेफिनेटली जो हमारा एनजीओ है कि वो क्राइम प्रिवेंट करने के लिए तो साथ साथ विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। हमारे समझ से तो वो सबसे बेस्ट दिन होगा जब हमारे जैसे एनजीओ की समाज में ज़रूरत नहीं होगी। हम तो इसीलिए हैं क्योंकि क्राइम है, कोई क्राइम कर रहा है और कोई क्राइम का विक्टिम बन रहा है। तो आई थिंक दैट वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि वो दिन आए जब हमारे जैसी संस्थाओं की समाज में ज़रूरत ना हो। ये होते अरुण जी पांडे, अन्याय रहित जिंदगी या संस्थेचे संचालक। एकूणच गोव्यामध्ये जे काही ह्यूमन ट्रॅफिकिंग, सेक्स ट्रॅफिकिंग वाढत चाललेलं आहे त्याला कायद्याचा धाक तर हवाच आहे, पण त्याचबरोबर एक मानवी चेहऱ्याची शिक्षण व्यवस्था जर आपल्याकडे विकसित झाली तर महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल आणि त्यातून पुरुष प्रधान व्यवस्थेतले जे काही दोष वाढत गेलेले आहेत ते कमी होतील आणि महिलावरचे अत्याचार देखील त्यामुळे कमी व्हायला मदत होईल, अशा प्रकारचा संदेश ते आपल्या या मुलाखतीतून देतात। पांडे सर, आप हमारे दर्शकों के लिए यहाँ आए और एक अच्छी जानकारी गोवा के इस सारे सिस्टम के बारे में दी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।